डियर स्टूडेंट, आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन डेयरी केमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा था अपना, उसमें आपने प्रोटीन की बात कर ली थी कि दूध में जो है वो तीन प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ल्यून और कैसिन प्रोटीन, जिसमें दूध में सबसे इम्पोर्टेंट मात्रा में पाए जाने वाला प्रोटीन था कैसिन प्रोटीन, जो 80% मात्रा में पाया जाता है। दूध का जो सफ़ेद रंग इसी प्रोटीन की वजह से होता है। तो यानी कि जो कैसिन प्रोटीन है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो कैसिन प्रोटीन की जो पोषक उपयोगिता है वो किस प्रकार से है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा कैसिन की पोषक उपयोगिता। कैसिन की पोषक उपयोगिता, कैसिन की पोषक उपयोगिता, कैसिन की पोषक उपयोगिता। कैसिन की जो पोषक उपयोगिता है उसमें क्या बताया कि जो कैसिन प्रोटीन है, इस प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल, यानी बॉडी के अंदर 10 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे हैं जिनकी बॉडी को सख्त आवश्यकता पड़ती है, उन अमीनो अम्लों को कहा जाता है आवश्यक अमीनो अम्ल, जिनका अवशोषण शरीर के द्वारा नहीं हो पाता है, जिन्हें बाहर से लेना पड़ता है। इस प्रकार के जो अम्ल होते हैं वो कहलाते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। कि वे अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्ल, और एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। कि वे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, जिनकी शरीर को आवश्यकता होती है, वो अमीनो अम्ल कौन से कहलाते हैं? आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जिनमें कौन आते हैं? 10 प्रकार के अमीनो अम्ल आते हैं, वो कौन कौन से हैं देखेंगे। तो कैसिन की पोषक उपयोगिता में क्या बताया कि इस प्रोटीन के अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन है उस शरीर के अंदर 97 से 98% पच जाती है। कैसिन प्रोटीन शरीर में क्या होती है? 97 से 98% पच जाती है और 76% शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 97 से 98% तो इसका डाइजेशन हो जाता है और 76% बॉडीज के द्वारा क्या कर ली जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ये कैसिन जो है आयोडीन एवं भारी धातु के साथ संयुक्त होकर ये उपयोगी वाहक के रूप में भी कार्य करती है। कैसिन प्रोटीन जो है वो आयोडीन एवं भारी जो धातुएं उनके साथ ही जुड़कर एक उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करने लग जाती है। कैसिन जो प्रोटीन है वो कैल्शियम एवं फास्फोरस की प्राप्ति का एक अच्छा स्रोत है। कैल्शियम और फास्फोरस की प्राप्ति के रूप में क्या है? कैसिन एक अच्छा सोर्स होता है। तो ये है कैसिन की पोषक उपयोगिता। तो देखिए यहां से कैसिन प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। कैसिन प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। अब आवश्यक अमीनो अम्लों में बात करते हैं, 10 अमीनो अम्ल आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है। इन्हें आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? 10। जिसमें कौन कौन से आते हैं वो 10 अमीनो अम्लों की बात करते हैं, टीवी, एम, आई, डबल, एल, पी, ए, टी, एच। शॉर्टकट इस प्रकार से याद रखना, टीवी मिल गई पथ में, यानी टाउ मिल पथ, ये टीवी, एम, आई, डबल, एल, पी, ए, टी, एच। यानी कि ये 10 प्रकार के जो अमीनो अम्ल है वो बॉडी के लिए क्या होते हैं? आवश्यक होते हैं। इनमें 10 प्रकार के अमीनो अम्लों में कौन कौन से आते हैं? T4 क्या होता है यहाँ पे? टी का मतलब यहाँ पे होता है ट्रिप्टोफैन। टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। वी का मतलब होता है यहाँ पे वैलिन। एम का मतलब होता है मिथ्योनिन। आई का मतलब होता है यहाँ पे आइसोल्यूसिन। आइसो
ल्यूसीन। लाइसिन आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, लार्जिनिन, फेनिल एलेनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ल्यूसिन होता है ल्यूसिन या फिर लाइसिन। आर्जिनिन, थ्रियोनिन, स्टीरिन, स्टीडिन। यानी कि ये सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं वो 10 आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं जो शरीर के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। 10 अमीनो अम्ल कैसे याद रखना, TVMINPA, ट्रिप्टोफैन, वैलिन है, मिथियोलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन और स्टीडिन। ये 10 प्रकार के अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं कि जो कैसीन प्रोटीन है उस शरीर में 97 से 98% पच जाती है। यह शरीर में, यह शरीर में 97 से 98% पच जाती है। कैसीन जो प्रोटीन है शरीर में 97 से 98% क्या होती है, बॉडी के अंदर ही पच जाती है एवं 76% शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह 76% शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 76% शरीर के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट यह है आयोडीन, यह है आयोडीन एवं भारी धातुओं के साथ संयुक्त होकर उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करती है। उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करती है। उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करती है। कैसीन जो है कैल्शियम फास्फोरस की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। कैसीन कैल्शियम व फास्फोरस की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। कैसीन जो है वो कैल्शियम में फास्फोरस की प्राप्ति का अच्छा स्रोत है। तो ये है कैसीन की पोषक उपयोगिता। क्या होता है कि जो कैसीन प्रोटीन है उसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। बॉडी के लिए 10 प्रकार के अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो जिनकी बॉडी को सख्त आवश्यकता होती है, जिसमें कौन कौन से थे, TVMINPA, यानी टीवी मिल गई पथ में, शॉर्टकट में T4 यहाँ पे क्या होता है ट्रिप्टोफैन, V4 होता है वैलिन, M4 होता है मिथियोनिन, I4 होता है आइसोल्यूसिन, L4 होता है ल्यूसिन, लाइसिन, P4 फेनिल एलेनिन, A4 आर्जिनिन, T4 थ्रियोनिन, H4 स्टीडिन। यानी कि ये जो प्रोटीन है कैसीन प्रोटीन है उस शरीर में 97 से 98% क्या होती है, पच जाती है। 76% शरीर के द्वारा क्या होती है, अवशोषित कर ली जाती है। कैसीन जो प्रोटीन है आयोडीन एवं भारी धातु के साथ संयुक्त होकर किसके रूप में कार्य करती है, उपयोगी वाहक के रूप में कार्य करती है। कैसीन जो प्रोटीन है वो कैल्शियम फास्फोरस की प्राप्ति का एक बेस्ट सोर्स होता है, अच्छा स्रोत होता है। तो ये है स्टूडेंट्स कैल्शियम की पोषक उपयोगिता। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।